तो नगर निकाय चुनाव आ गया है, प्रत्याशी घर घर जाकर लोगों से अपने पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। हम इस समय बड़ी गैबी पे सुमित्रा अपार्टमेंट पे हमारे साथ कुछ लोग हैं, आइए हम इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि इनकी नज़र में एक प्रत्याशी के वो कौन से गुण होने चाहिए जिससे उनके वार्ड का भला हो सके और उसमें विकास कार्य कराए जा सके। क्या नाम है आपका? हमारा नाम विजीत पांडे पड़ेगा। विजीत, कैसा प्रत्याशी होना चाहिए? जब आप घर से निकलते हैं तो जो क्षेत्र की समस्याएं दिखती हैं, तो प्रत्याशी कैसा होना चाहिए जो आपके उन समस्याओं को हल करने वाला? देखिए, नगर निकाय चुनाव जो होता है ये एक मोहल्ले एक वार्ड का चुनाव होता है। इसमें जो प्रत्याशी रहे वो हम लोगों के बीच का रहे, हम लोगों को सुनने वाला रहे, न कि चुनाव के समय आए भैया बाबू करके वोट मांगे, ये कराएंगे वो कराएंगे। उसके बाद आप देखिए हमारे यहाँ सफाई की स्थिति देख लीजिए हमारे वार्ड में, क्योंकि विगत कई बार से एक ही पार्षद हमारे यहाँ रह चुके हैं, लेकिन वो उन वार्ड पर कभी ध्यान नहीं दिए। और जहाँ तक हमको लगता है इस बार पार्टी उनके ऊपर जिम्मेदारी यही कुछ सोच समझ के या उनके एक्टिविटीज़ को देखते हुए उनको जिम्मेदारी नहीं दी। हमारे यहाँ से नई श्रीमा जी हैं, आई हैं, पार्टी उनको टिकट दिया है, अब देखिए वो काम करती है। हम लोग तो वोट अभी मन बनाया जा रहा है कहाँ दिया जाएगा कहाँ नहीं दिया जाएगा, वो तो गुप्त मतदान होता है। बिल्कुल, बात अगर कर ली जाए भाई साहब की जो प्रत्याशी होना चाहिए उसका क्या एजेंडा होना चाहिए, वो किस तरह अपने वार्ड की सफाई की व्यवस्था हो, चाहे सीवर की बात हो चाहे पानी की बात हो, किस तरह उसको हैंडल करने का मतलब ये है कि सबसे पहले पानी व्यवस्था करें, पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और फिर बिजली भी कटौती बहुत ज़्यादा हो रही है, सीवर भी यहाँ सही नहीं है। अभी एक बारिश हुई थी, एक बारिश में ही पूरा जो है कि पूरा जलमग्न मोहल्ला पूरा जलमग्न हो गया था, किसी घर में पानी, कितने लोग तो गैबी अखाड़ में गैबी आवास विकास लोग खोजने लगे दूसरे के मकान कि हमें कोई मकान नहीं। तो हर चीज़ को ध्यान देते हुए ये कार्य होना चाहिए। बिल्कुल, पानी की समस्या एक बड़ी समस्या है और आए दिन ऐसे बहुत से इलाके हैं जब लोग उससे दो चार होते हैं और घरों से निकलना दूर हो जाता है। हम कुछ लोगों से बात करके जान रहे हैं वो कैसा कैसा प्रत्याशी आप चुनना चाहते हैं, वो किस तरह होना चाहिए, क्योंकि जब चुनाव आते हैं तो सारे लोग आपके पास आएंगे, आपसे वोट मांगेंगे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद भी क्या प्रत्याशी हुआ? नहीं, हमारा कहना ये है कि चुनाव जीतने के बाद भी वो अपने वार्डों पर ध्यान दें, क्योंकि पिछले भी जो थे हमारे वार्ड पार्षद वो आज तक हमारे इस मोहल्ले में तो नहीं आए, कभी झांकने तक नहीं आए कि वार्ड का क्या स्थिति है, सफाई है कि नहीं है। सबसे बड़ी हम लोग ये चौराहे पे देख लिए कितनी गंदगी रहती है और उस जमीन जिसकी भी है वो छोड़ के ऐसे ही रखा हुआ है, लोग कूड़ा फेंकते हैं, रोज होता है ये पहले बरसात में तो बहुत स्थिति नारकीय हो जाती है पूरा कि हम लोग रह नहीं पाते हैं। बाद में हम लोग जैसे भी अपने पैसे से मंगवा के सफाई कराते हैं उसका, तो ये सब तो नाली तो सीवर तो ओवरफ्लो रहता ही है बरसात के दिन में, अक्सर है वो होना ही है, क्योंकि नालों की सफाई होती नहीं है, खाली टेम्प्रोरी टाइमिंग आके बरसात के पहले आके उड़ाई करके चल जाते हैं, सील तो सही छोड़ देंगे, फिर हम ही लोग को वो धूल फाँकना पड़ता है उसको भी। देखो, जब चुनाव नज़दीक आता है उसके कुछ महीने से लगता है कि पार्षद बहुत काम करा रहे हैं और गलियों में काफ़ी कुछ काम भी दिखता है, उसके बाद 5 साल तक छाटा नहीं आता। पार्षद चुनाव के पहले तो बहुत आते हैं चुनाव के लिए वोट देना हमको, उसके बाद में आते ही नहीं, दिखते ही नहीं है, और विकास के लिए जागरूक भी नहीं है कुछ, पब्लिक भी जागरूक नहीं है, पब्लिक भी बोलती नहीं है कि यहाँ विकास होना चाहिए, पब्लिक भी जागरूक नहीं है। आते हैं बोलते समस्या हम समाधान करें कुछ करेंगे, बाद में जीतने बाद कुछ आते ही नहीं। स्टार्टिंग में तो समझा जाता है कि हम ये करेंगे आपके समाज के लिए, हम ये करेंगे, लेकिन आज हम डेमोक्रेसी मीन्स वर्ल्ड वाइड में रह रहे हैं, उसके बाद हमें ये समझना चाहिए कि आज जो भी हमारे मीन्स हम लीडर्स हम स्टैंड अप करवाते हैं अपने एफर्ट से, तो वो टू द पीपल फॉर द पीपल होने चाहिए। ऐसा नहीं कि मीन्स आज आकर के बोलें कि ठीक मीन्स जस्ट एक हम फॉल्स प्रॉमिस कर देते हैं, सो ऐसा नहीं होना चाहिए, एक पब्लिक सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए ताकि हम उनको अगले 5 साल के अगले 50 साल तक हम उनको याद रखें। तो क्या ये सेवा करने वाले जन सेवक बन के आते हैं और जब चुनाव जीत जाते हैं तो केवल अकेले ही मेवा खाते हैं? नहीं, देखिए इस बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, बट ये कहना चाहता हूँ कि जो भी यहाँ के मीन्स इलेक्शन में जीतते हैं एटलीस्ट उनको ये मालूम होना चाहिए कि मैं किनके एफर्ट से जीता हूँ, एटलीस्ट उनके लिए मैं कुछ करूँ, उनको सेटिस्फाई करूँ, एक जनरल पब्लिक को मैं सेटिस्फाई करूँ। आज आप देखेंगे कूड़ा कचरा जैसे यहाँ हमारे बड़ी गैबी में है, तो अभी जैसे हमारे भैया ने बोला तो कहीं कोई का किसी का आना जाना नहीं, उसके बाद उससे गंदगी फैलना, एटमोसफियर ख़राब होना, और हमारे PM आज के समय में उनका अभियान है स्वच्छता का, और हम एक छोटे ऐसे मोहल्ले में भी बड़ी गैबी में जहाँ पे हम रहते हैं या बड़ा मोहल्ला कहीं पे भी, सो ये एक थोड़ा सा निगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट होता है हमारे पार्षद के तरफ भी। थैंक यू।
बिल्कुल पार्षदों से जो उम्मीद रहती है उस उम्मीद पर पार्षद खड़ा नहीं उतरते, लेकिन निकाय चुनाव है, वोट भी देना है, ऐसे में जनता के सामने भी कोई विकल्प नहीं बचता, लेकिन अपनी सूझबूझ से वो हर समय एक अच्छे कैंडिडेट को ही चुनना चाहते हैं, बावजूद उसके आगे जो भी हो। 13 तारीख को जब मतगणना होगी तो ये पता चलेगा कौन जीता। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।